मुझे मेरी मर्यादा रोकती है। आगे का सारा कार्य आपको करना है। कौन सा कार्य? मैं कुछ समझी नहीं। इसकी इंद्राणी तुम तो जानती हो, अभी शुरू होगी, इसलिए तुम प्रसूति गृह में जाओ और देखकर बालक को। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ये माँ के रहते हुए उसके पास से उसके बालक को कैसे लाया जाए? ऐसा मैं नहीं कर सकती। हे सती, तुम बड़ी भोली हो। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। तुम एक मायावी बालक ले जाओ और उसे वहां सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आओ। ये ना मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। इसलिए भी यूं गई और यूं आई। अब हाँ, सचिन रानी बड़ी हर्षित है, क्यों नहीं होगी? तीन लोग के नाथ भगवान का दर्शन जो मिलेगा, तब सौदर मित्र कहते हैं। सतींद्राणी जल्दी आना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना। हाँ स्वामी, मैं अभी आती हूँ। तब सौदर मित्र रानी कहते हैं, हे नाथ मैं अभी आती हूँ। सचिन से कहते हैं, सचिन रानी बड़ी हर्षित है, मायावी बालक उनके हाथ में है और बिल्कुल धीरे धीरे नृत्य करती हुई जाएगी। सचिन रानी माता के महलों में जा रही हैं भगवान को लेने के लिए। मायावी बालक को वहां सुलाएंगी और तीर्थंकर बालक को लेकर के आएगी। अब सचिन रानी जाती है धीरे धीरे, बहुत बड़ा महल है, पता नहीं कौन से रास्ते से सचिन रानी लेकर के आएगी, कौन से दरवाजे से लेकर के आएगी। अब सचिन रानी चल देती है धीरे धीरे, पगला चलती डग डग चारी इंद्राणी, धीरे धीरे पगला चलती डग डग चारी इंद्राणी, और माया मई बालक को लेकर धीरे पगला चलती डग डग चारी इंद्राणी, और तीर्थंकर भगवान को जैसे ही लेकर के आती हैं, माइक वाले के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसे करते हुए। अब सौधर्म आगे बढ़ते हैं और सौधर्म उनसे मांग रहे हैं, आगे बढ़कर मांग रहे हैं नाथ खिलावे इंद्राणी, सौधर्म उनसे मांग रहे हैं नाथ खिलाए तुझे इंद्राणी, सौधर्म उनसे इतना सुंदर है कि जैसे ही तीर्थंकर बालक के दर्शन करती है सौदर मिंद्राणी, इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो तुरंत अपने स्त्री पर का छेद कर लेती है। एक सौदर मिंद के रहते रहते 40 नील इंद्राणियां मुख चली जाती है।
सौंदर्य की नारी को इतना पूर्ण संदेह होता है, वो जिस प्रभु को देख रही है उनको जल्दी से सौंदर्य को नहीं देना चाहती। हे स्वामी, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा, देखो ना भगवान कितने सुंदर है। तुम दिखाओगी जब तो देखूंगा। अरे एक झलक दिखला दे मुझको, एक झलक दिखला दे मुझको, पर ना दिखला दे इंद्राणी, एक झलक दिखला दे। और इंद्राणी, इंद्राणी वहीं से उठा इंद्राणी है। अरे सुन ले मेरी इंद्राणी, लड़की दशा उजड़ जाएगी, ओ मेरे मन की दशा उजड़ जाएगी। जब ये बात सौधर्म इंद्राणी सुनती है तो सौधर्म इंद्राणी आगे आती है और कहती है कि क्या कह रहे हो स्वामी, क्या कह रहे हो नाथ कि मन की दशा उजड़ जाएगी। तो इंद्राणी कहती है, अरे सुन लीजिए इंद्र राजा, सुने मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुने मेरे महाराजा, लगना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर जी।
इस बालक को नजर डाला जाए। अब सोधन नाड़ी धीरे से दीपंकर बालक का श्रृंगार करती है। भैया श्रृंगार समान